प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है पशु संसाधन में बकरी। नागौर जिले के बरूड़ गांव की बकरियां देश भर में प्रसिद्ध हैं। बकरियों की संख्या की दृष्टि से राज्य का बिहार के बाद में दूसरा स्थान है। बकरी को गरीब की गाय भी कहा जाता है। राज्य में सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर में और सबसे कम धौलपुर में पाई जाती हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली बकरियों की प्रमुख नस्लों में जमुनापुरी, बरवारी, सिरोही, अलवरी, लोही, मारवाड़ी, जकराना प्रमुख है। इस जिले के रामसर गांव में सिरोही नस्ल की बकरी का प्रजनन शोध केंद्र स्थित है। राजस्थान सरकार ने स्विट्जरलैंड सरकार के सहयोग से बकरी विकास व चारा उत्पादन परियोजना आरंभ की गई है। बकरी के दूध के विपणन में प्रमुख समस्या इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होना है, ऊंट या मरुस्थल का जहाज। राजस्थान संपूर्ण देश में संख्या की दृष्टि से इसी पशु में एक अधिकार है। यहाँ देश के कुल ऊँटों का 70% अंश पाया जाता है। वर्ष 2007 की गणना के अनुसार 4.3 लाख ऊँट पाए जाते हैं। नाचना, जैसलमेर का ऊँट भारत भर में प्रसिद्ध है। गोमठ, फलौदी का ऊँट सवारी की दृष्टि से उत्तम माना जाता है। उसके बाद में राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट बाड़मेर और सबसे कम ऊँट झालावाड़ में पाए जाते हैं। बीकानेर में ऊँट की खाल पर मीनाकारी का कार्य, जिसे उस्त कला कहा जाता है, इसामुद्दीन उस्ता प्रमुख कलाकार थे। राज्य में ऊँटों की 4 नस्लें हैं, जैसलमेरी, बीकानेरी, अलवरी व कच्छी। ऊँटों में सर्रा रोग पाया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जोहड़ बीड बीकानेर में केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार 2000 में ऊँटनी के दूध को मानव प्रयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बीकानेर में जोड़बेड़ स्थित राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र में भारत की पहली कैमल मिल्क डेयरी खुलेगी। यहाँ से दूध अन्य राज्यों में भेजा जा सकता है। इसमें राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र की 32 श्रेष्ठ नस्ल की दुधारू ऊँटनियों को रखा जाएगा। कजाकिस्तान की मरकर कंपनी ने बीकानेर में ग्रामीण ऊँट बाहुल्य क्षेत्र में 300 बीघा जमीन लेकर यहाँ डेयरी स्थापित करने की इच्छा जाहिर की है। कुक्कुट यानी पोल्ट्री राजमुर्ग पालन की दृष्टि से अजमेर जिला प्रथम स्थान पर, द्वितीय व तृतीय स्थान पर बांसवाड़ा उदयपुर है। सबसे कम बाड़मेर व धौलपुर में। संकर नस्ल के मुर्गियों की दृष्टि से अजमेर जिला प्रमुख है तथा बीकानेर सबसे पिछड़ा हुआ है। सर्वाधिक देसी नस्ल की मुर्गियां बांसवाड़ा जिले में रानीखेत रोग मुर्गियों में पाया जाता है। मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र अजमेर में स्थित है। 1988 में अजमेर में राज्य के कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। इससे पूर्व 1963 में कुक्कुट पालन को प्रशिक्षण व तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु अजमेर व बांसवाड़ा में 2 सघन कुक्कुट विकास खंड स्थापित किए गए थे। अंडों के उचित विपणन हेतु राज्य में 500,000 जॉब का कार्यक्रम के अंतर्गत अजमेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर जिले में कुक्कुट उत्पादन सहकारी समितियां गठित की गई है। घोड़े राज्य में वर्ष 2007 की जनगणना के अनुसार 0.2424 लाख घोड़े पाए जाते थे, जो राज्य का देश में 8वां स्थान है। सर्वाधिक घोड़े बाड़मेर में व जालौर में, न्यूनतम बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। इसकी प्रमुख नस्लें मलाणी, बाड़मेर, मारवाड़ी, काठियावाड़ी प्रमुख हैं। राज्य की प्रमुख पशु विकास परियोजनाएं पशु माता उन्मूलन योजना 1958 में। यह संपूर्णतः केंद्रीय प्रवर्तित योजना है जो राज्य भर के पशुओं को पशु माता रोग से मुक्त करने के लिए योजना चलाई गई। वर्ष 2004 से भारत देश को स्थायी रूप से इस रोग के मुक्त घोषित किया जा चुका है। चारा विकास योजना 1959 चारा विकास व चारे के उत्पादन उन्नत घास हेतु ये योजना चलाई गई है। गोपाल योजना 1990 12 जिलों की 40 पंचायत समितियों में पशुपालकों को गठित गहन प्रशिक्षण प्रदान कर उनका आर्थिक स्तर व पशु नस्ल में सुधार के लिए चलाई गई है। एकीकृत पशु विकास योजना 1992 पशुओं के समग्र विकास हेतु प्रारंभ यह योजना 21 जिलों में 749 पशु स्वास्थ्य केंद्र उपकेंद्र द्वारा चलाई गई है। कामधेनु योजना 1997
गोवंश के संवर्धन हेतु चलाई गई योजना है। धन्यवाद बच्चों।